मेरा नाम ओम प्रकाश पारीक है, मैं बीकानेर जिले के कालू गांव का निवासी हूँ। अब सीएलसी आपने कब ज्वाइन किया? मैंने सीएलसी 2023 में ज्वाइन किया। अभी सीएलसी में पढ़ाई के बाद नीट 2024 में आपका एक्सपेक्टेड स्कोर क्या है? मेरा नीट 2024 का एक्सपेक्टेड स्कोर 700 है। सीएलसी में जब आप पढ़े तब आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्या चीज़ें सीएलसी की आपको अच्छी लगी? सीएलसी में मेरे को सबसे ज़्यादा अच्छे नाइट कैंप लगा, जिसमें जो बच्चे रूम पर नहीं पढ़ सकते हैं वो नाइट कैंप को आसानी से पढ़ सकते हैं। बॉस के बारे में क्या एक्सपीरियंस है आपका? बॉस जैसे हमारे हर माइनर के बाद मिलने आते थे क्लास में और हर बच्चे से पर्सनली बात करते थे, जो मोटिवेट करते रहते थे। सीएलसी का स्टडी मटेरियल और मॉड्यूल्स, इनकी क्वालिटी कैसी है? सीएलसी के मॉड्यूल्स वगैरह प्योर एकदम नीट बेस्ड होते हैं और कुछ भी ऐसे मतलब जो अदर नॉलेज के लिए चीज़ें होती है वो नॉलेज बूस्टर टॉपिक से लिखी हुई होती हैं। जो टेस्ट सीरीज आप देते हैं सीएलसी में, उनसे आपको अच्छा स्कोर करने में कैसे मदद मिलती है और वो कैसे आपको टाइम मैनेजमेंट और एक्यूरेसी और स्पीड को तैयार करते हैं? एक्यूरेसी और स्पीड बढ़ाने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाई जाती है, जो नीट के लेवल से बहुत फ़ायदेमंद होती है। जो लास्ट में मैराथन होती है वो भी बहुत स्पीड बढ़ाने के लिए बहुत लाभदायक होती है।